मुल्तान से थाना शाह शम्स के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले से मुतालिक आप तक खबर पहुँचाए। कासिमपुर नहर के करीब मुलजमान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग से 25 से ज्यादा डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया है। हमारे ब्यूरो चीफ मुल्तान जुनैद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जुनैद मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी शुमाना, बिल्कुल, ये सुबह सवेरे का वाकया है जब शाह शम्स के हदूद में जो नहर है उसके करीब पुलिस को इत्तला मिली के एक शहरी से 10,000 रुपए और नकदी और दीगर मोबाइल और चीजें लूट कर फरार हो रहे थे डाकू के। पुलिस ने घेरा और उनका किया, तीन मुलजमान थे आपस में। पुलिस पर जैसे ही पुलिस पार्टी वहां पर पहुंची उस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, मगर क्योंकि सुबह सवेरे का वाकया था, अपने ही साथियों की फायरिंग से एक जो मुलजिम है वो वसीम वो खानेवाल का रिहायशी बताया जा रहा है, जो कि 25 से जायद डकैती राजधानी मोटरसाइकिल और दीगर जो वारदातें हैं उसमें मुलविस था। वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि दो जो थे वो फरार होने में कामयाब हो गए, जिसके FIR दर्ज करके उसकी तफ्तीश के लिए और दीगर जो सर्च ऑपरेशन है वो भी इलाके में शुरू कर दिया गया। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि ये इलाके में खौफ और हरास फैलाया हुआ था और आए रोज डकैती और राजधानी की वारदातों में मुलविस थे, और इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची और इस टाइम जो डेड बॉडी है उसको निश्चर हॉस्पिटल के सदरखाने में मुंतकिल कर दिया गया है। बुरसान को भी इत्तला दे दी गई है ताकि वो आके इसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद ले लें। जी, मुल्तान से थाना शमसाबाद के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला कासिमपुर नहर के करीब मुलजमान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग से 25 से ज्यादा डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया है। बहुत शुक्रिया जुनैद मलिक तफसीली अपडेट करने के लिए।